उसका बलात्कार किया, उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और कॉलेज के बाहर छोड़ दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सहवानों को सबक सिखाने के लिए कानून अपने हाथों में ले लिया और इस गैंग के एक आदमी को भी नहीं छोड़ा। इसी एमएलए हमवीर के कहने पर ह्यूमन राइट्स वालों ने बकेड़ा खड़ा कर दिया तो 2 साल तक मैं सस्पेंडेड था। लेकिन ये क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे भी तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। गोचन की जगह एक दूसरा गुंडा आया, उसको एमएलए का सपोर्ट मिला, वो नन्या भाई बन गया। अब नन्या भाई की जगह लेगा राहुल। चाहे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं।